से। चलिए हमारे साथ लाइव दर्शक भी जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश से। हरीश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त और फोन लाइन के जरिए हमारे साथ मौजूद है। हरीश जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है इनका। मैंने पेटीएम के लिए थे शेयर, जो मुझे आईपीओ में मुझे मिले थे शेयर। हेलो, उसमें मैम मेरे जो है जो शेयर 10 शेयर लिए थे 2150 जी, में, नुकसान तो काफी हो रहा अब होगा आपको हरीश जी जी। भयंकर नुकसान हो रहा है मैम। इसका कैसे, इसको शॉर्टफॉल इसका कैसे कवर करूं, आप इसका थोड़ा सा मुझे बताइए किस तरीके से इसको बैकअप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हरीश जी ये आप ही की समस्या नहीं है, आपके जैसे काफ़ी सारे रिटेल निवेशक, काफ़ी सारे ट्रेडर्स इस स्टॉक में ट्रैप हो चुके हैं एक तरीके से, परेशान है जो नुकसान इनको इस वक्त हो रहा है पेटीएम में। और पेटीएम में हाल ही फिलहाल में एंकर लॉक इन भी खत्म हुआ 14 नवंबर को, उसके बाद भी एक शार्प फॉल हमने देखा। और इसके अलावा मैक्वायरी की भी कुछ रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है और उनका कहना है कि अंबानी इस फोरे में जो एंट्री लेने जा रही है स्पेस में, वो भी एक बड़ा खतरा पेटीएम के लिए बताया जा रहा है। तो पेटीएम में लगातार एक गिरावट का ट्रेंड बना हुआ है काफी सारी वजहों की वजह से। शर्मिला आप क्या सजेस्ट करेंगे हरीश जी को? आप नुकसान तो भारी हो रहा है, भारी घाटा इनको झेलना पड़ रहा है, क्या करना चाहिए जिससे इनके नुकसान की कुछ भरपाई हो सके? कुछ स्पेसिफिक स्टॉक सेक्टर आप इनको सिलेक्ट करेंगी, क्या करें पेटीएम में? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि मेरे हिसाब से कि जैसे आपने अभी आउटलाइन किया, काफी दिक्कतें हैं स्टॉक में। और अगर आप देखें इन सभी शेयरों में जहां पर जो लॉक इन पीरियड खत्म हुआ और सेलिंग आई है, और उसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें गलत गई है पेटीएम के लिए, नतीजे भी इतने खास नहीं रहे हैं, और लॉट ऑफ थिंग्स जो आउटलुक था वो भी दे आर नॉट डिलीवर्ड ऑन दैट। तो मेरे हिसाब से एक बार उनको लॉस बुक करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। और अगर आप सेक्टर मुझे पूछेंगे तो फॉर मी द सेक्टर जस्ट नाउ इज बैंकिंग, लेकिन इस तरह के सेक्टर में और एक फ्रंटलाइन स्टॉक में अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर रहेगा। तो बैंक है वहाँ पर आपको अपना निवेश शिफ्ट करने की सलाह दी जा रही है, थोड़ा सा दिल कड़ा करके, क्योंकि नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी पेटीएम को बेचने की सलाह है क्योंकि यहाँ पर वैल्यू नज़र नहीं आ रही है और लगातार इस शेयर में प्रेशर बना हुआ है। बड़े निवेशकों के निकलने के बाद से और ज़्यादा बिकवाली हुई है इस काउंटर में आपको। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी सर, सवाल पूछिए अपना। मैंने कावेरी सीड सीड लिए थे अबाउट 1 ईयर बैक। 100 शेयर आपके पास हैं 605 रुपए के भाव पर, करेक्ट? हाँ जी, 605 के भाव पे 100 शेयर हैं, इसके लिए क्या करते हैं? ठीक है, 505 रुपए के आसपास है, यानी प्रति शेयर 100 रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है इस शेयर में। और स्नेहा, हमने काफ़ी ज़्यादा वॉलिटिलिटी देखी है कावेरी सीड्स के शेयर में, आप ये बताइए कि इस लेवल से आगे की चाल आपको कैसी दिख रही है और क्या सलाह देंगे आप? अगर आप देखिए तो एक अच्छी मोबाइल है, इसमें रिकवरी काफी स्ट्रांग आई है। हालांकि अगर आज अगर आप हाई देखें तो दैट इज वेरी मच नियर द 20-200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, तो वो एक रेजिस्टेंस है। बट आई थिंक अगर आज का हाई क्रॉस होता है दैट इज 510-509 क्रॉस होता है, तो इसमें थोड़ी अपसाइड और आ जाएगी। और जिस तरह इसके उसके वॉल्यूम्स है रिसेंटली, आई थिंक यहाँ से अपसाइड मूव पॉसिबल है, विच कैन ब्रिंग इट टूवर्ड्स से इनिशियली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 545-545, और फिर अगर उसमें से और तेजी आती है वो लेवल्स के ऊपर तो 587-585 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि होल्ड करें। अगर एक स्टॉप लॉस लगाना है तो इमिडिएटली एक स्टॉप लॉस वुड बी अराउंड 487 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। आई थिंक इसमें पॉसिबिलिटी है करके कि उनके बाइंग लेवल के आसपास वो आ सकता है, बट थोड़ा समय देना पड़ेगा। और राइट, ठीक है, तो थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा, लेकिन आप बने रह सकते हैं इस स्टॉक में।